बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाने वाला विजयदशमी का ये त्यौहार महानगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु विजयदशमी के दिन पंडालों में 9 दिन से स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हुए माँ दुर्गा को विसर्जित करने के लिए निकल पड़े। विजयदशमी के दिन 10 सिरों वाले दुष्ट रावण का भगवान श्री राम ने वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस परंपरा को निभाते हुए हिंदू धर्म के लोग दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते श्रद्धालु माँ दुर्गा को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं। महापौर सीताराम जायसवाल ने बुराई पर अच्छाई की जीत माने जाने वाले इस पर्व पर महानगर वासियों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, करें
देखिए आज दशहरा है, दशहरा मतलब के रावण के जो 10 हाथ हैं उनको दशहरा के बुराई के प्रतीक में माना जाता है। दशहरा आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जब असुरी शक्तियाँ देश में प्रबल हो गई थी और धरती पर अनाचार और दुराचार बढ़ता जा रहा था, तो सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में गए और अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। आप देखेंगे कि माँ दुर्गा सभी हमारे देवताओं के अस्त्रों से सुसज्जित हैं और वो जब जब भी पृथ्वी पर अनाचार दुराचार होता है तो वो आकर के दुष्टों का संहार करती है और स्वस्थ वातावरण, धार्मिक वातावरण देश और दुनिया में उपस्थित करती है। माँ दुर्गा हर तरह से नागरिकों का पालन पोषण भी करती है। जब देश में अकाल पड़ा था तो शाकंभरी के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था और अपने शाकंभरी रूप में पूरे धरती को शाक से आच्छादित की थी और उसे लोगों का जीवन बचा था। जब जब हम हर साल दशहरा मनाकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि माँ दुर्गा हम लोगों की रक्षा करेगी और आशीर्वाद देगी। जहाँ जहाँ हमारे देश में जितनी भी स्त्रियाँ हैं दुर्गा स्वरूपा हैं उनका सम्मान होना चाहिए। जहाँ पर माँ जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। हम शपथ लेते हैं दुर्गा पूजा पर कि हम असुरी शक्तियों को देश में पनपने नहीं देंगे और जहाँ भी ये शक्तियाँ हाथ उठाएगी माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनका हम लोग श्रृंगार करेंगे। इस उद्देश्य से दुर्गा पूजा हम मनाते हैं। ये बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। साथ ही साथ राम राज्य, राम 14 साल के वनवास के बाद जब राम राज्य हुआ, राम को गद्दी मिली, उसके भी प्रतीक के रूप में हम इसको मनाते हैं और उनका राज्याभिषेक करते हैं। पूरे देश में राज्याभिषेक राम का किया जाता है क्योंकि उन्होंने दुष्टों का संहार किया था और राक्षसी पक्तियों को नष्ट करके फिर अयोध्या लौट करके अपना सुशासन स्थापित किया था, राम राज की कल्पना की थी। इसलिए भी हम दुर्गा पूजा को प्रतीक रूप में मनाते हैं और राम के आदर्शों पर चलने की सौगंध खाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो हमारे आदर्श पुरुष हैं। मैं आज के दिन मैं सभी शहरवासियों को दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ के तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।